Welcome to the second class of indices. In the last class, we studied about a to the power x equals to n, where a was the base, x was the index or the power exponent, or n is the output. Then we studied laws of indices. Then we have studied laws of indices. And based on the things, we have started with the problems. So we discussed problems like basic use of laws. In the today's discussion, we are going to expand our knowledge with sums where we need to apply more than one laws together. More than one laws together. ठीक है, तो based on our application in the last class, we are going to start with today's class preparation. Just give me a second, I'm opening the questions. Fine. So the first question for the day will be, if x equals to cube root of 4 plus 4 to the power minus 1 by 3, then find out the value of x cube minus 3x. ठीक है, तो जो भी गिवन कंडीशन है हम लोग उससे शुरू करेंगे. जो भी गिवन कंडीशन है हम लोग उससे शुरू करेंगे. गिवन क्या है, x इक्वल्स टू दिस, अब क्यूबिंग बोथ द साइड्स, वी हैव टू डू व्हाट, क्यूबिंग बोथ द साइड्स. नाउ यू गेट x क्यूब. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. अगर आप ध्यान से देखेंगे a प्लस बी होल क्यूब का यही फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी. सिमिलरली a माइनस बी अगर होल क्यूब रहेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी. अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो x क्यूब इक्वल्स टू 4 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1, ये और ये विल गेट कैंसल्ड, है ना, क्योंकि हम लोग को एक प्रॉपर्टी क्या पता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस m इक्वल्स टू 1, तो प्लस 3x. सिंस वी नो दैट x इक्वल्स टू 4 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1 बाई 3. ठीक है, और x क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 बाई 4, दैट इज 16 प्लस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 17 बाई 4. ठीक है, देखिए स्टार्टिंग से देखिए, अगर आप ये क्वेश्चन में लोग क्या किए, हम लोग को दिया हुआ था x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1 बाई 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3x.
देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक सम और करेंगे ताकि क्लियर हो जाए हम लोग को ये वाला चीज। इफ एक्स इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 बाई थ्री प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 बाई थ्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x क्यूब माइनस 15x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x क्यूब माइनस 15x। तो अब मेरा गिवन कंडीशन क्या है? मेरा गिवन कंडीशन है x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 बाई थ्री प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 बाई थ्री। यहां पर भी सेम क्यूबिंग बोथ द साइड्स, यहां पर भी सेम करेंगे हम लोग क्यूबिंग बोथ द साइड्स। क्यूबिंग बोथ द साइड्स करने के बाद मेरा आ रहा है x क्यूब इक्वल्स टू 5 टू द पावर 1 बाई थ्री का होल क्यूब प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 बाई थ्री का होल क्यूब प्लस 3 ए बी प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा आ जाएगा 5 प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 ब्रैकेट में x, क्योंकि हम लोग को क्या पता है सिंस x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 5 टू द पावर माइनस 1 बाई 3। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब माइनस 5x, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 5 प्लस 1 बाई 5 और एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल्स टू 25 प्लस 1 बाई 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5x क्यूब माइनस 15x इक्वल्स टू 26, 5x क्यूब माइनस 15x इक्वल्स टू 26, 5x क्यूब माइनस 15x इक्वल्स टू 26। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सपोज करिए हमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, रूट ओवर 20 इंटू रूट ओवर 20 इंटू रूट ओवर 20 डॉट 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 इन्फिनिटी का हमको वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू। तो मेरे को क्या करना है, लेट a इक्वल्स टू रूट ओवर 20 रूट ओवर 20 रूट ओवर 20 डॉट 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 इन्फिनिटी। नाउ वी हैव टू डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू, एक रूट हट जाएगा, जो रूट मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो वाला रूट हट जाएगा, बट वापस से वही सेम फैक्टर आ जाएगा क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 20 ए, हाँ या ना? फिर से तो वही चीज आते ही जाएगा ना, इन्फिनिटी तक है। और ए स्क्वायर माइनस 20 ए इक्वल्स टू जीरो, और
इंटू ए माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है अपना, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट है? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू जीरो, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू जीरो, देन आइदर ऑफ द नंबर इज जीरो। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो है, तो वी टेक आइदर और आइदर ए इक्वल्स टू जीरो और ए माइनस 20 इक्वल्स टू जीरो, विच गिव्स मी द वैल्यू ए इज 20। नाउ दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो मेरा ये क्या हो जाएगा आंसर, मेरा ये हो जाएगा आंसर, ए कैन नॉट बी जीरो ना, तो मेरा आंसर हो जाएगा 20, मेरा आंसर हो जाएगा 20। मेरा आंसर हो जाएगा 20। सिमिलरली मान लीजिए अगर डिवाइड में हूं, मान लीजिए अगर डिवाइड में हो तो मैं क्या लिखूंगा, लेट ए इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 इंफिनिटी तक। अब क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कौन सा वाला रूट हटेगा, सबसे पहला वाला रूट हटेगा, 20 डिवाइडेड बाय वापस से वो चीज आ जाएगा, और सेम लिखेंगे क्योंकि ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है, ये कहां तक है, इंफिनिटी तक है, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू 20 बाई ए, और ए क्यूब इक्वल्स टू 20, क्रॉस मल्टीप्लाई इफेक्ट है ये, और द वैल्यू ऑफ ए इज क्यूब रूट ऑफ 20, द वैल्यू ऑफ ए इज क्यूब रूट ऑफ 20, द वैल्यू ऑफ ए इज क्यूब रूट ऑफ 20, द वैल्यू ऑफ ए इज क्यूब रूट ऑफ 20। ठीक है, सिमिलरली यू कैन गेट प्लस का और माइनस का, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेगा तो दो वैल्यू आएगा, एक इंपॉसिबल आएगा एक करेक्ट आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन सॉल्व रूट ओवर 20 प्लस रूट ओवर 20 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 माइनस रूट ओवर 20 इंफिनिटी तक। सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। If
2 टू द पावर ए इक्वल्स टू 3 टू द पावर बी इक्वल्स टू 12 टू द पावर सी, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी माइनस 2 बाई ए, इसका क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी गिवन है उसको इक्वल्स टू के ले लेंगे, सबसे पहले जो भी गिवन है उसको इक्वल्स टू क्या लेंगे, उसको इक्वल्स टू के लेंगे। तो मेरा क्या आ जा रहा है, टू टू द पावर ए इक्वल्स टू थ्री टू द पावर बी इक्वल्स टू ट्वेल्व टू द पावर सी इक्वल्स टू के। अब सब में इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, टू टू द पावर ए इक्वल्स टू के, थ्री टू द पावर बी इक्वल्स टू के, एंड 12 टू द पावर सी इक्वल्स टू के। इसके नेक्स्ट स्टेप में 2 आ जाएगा मेरा, के टू द पावर 1 बाई ए, के टू द पावर 1 बाई बी, 12 आ जाएगा मेरा के टू द पावर 1 बाई सी। अब मैं लिख सकता हूं, वी नो दैट 12 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3, और k टू द पावर 1 बाई सी इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाई ए होल स्क्वायर इंटू k टू द पावर 1 बाई बी, और k टू द पावर 1 बाई सी इक्वल्स टू k टू द पावर 2 बाई ए इंटू k टू द पावर 1 बाई बी, और k टू द पावर 1 बाई सी, नाउ सिंस द बेस इज सेम और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स विल गेट एडेड अप। नाउ सिंस द बेसिस आर सेम ऑन बोथ द साइड्स, पावर्स विल बी इक्वल। ये आ रहा है, अब सबको उधर शिफ्ट कर दो। तो इसका वैल्यू जीरो आ गया। तो मेरे को क्या पूछा था, मेरे को पूछा था जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूं, जो पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूं उसका वैल्यू, मेरे को इसका वैल्यू पूछा था। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ देगा, ऐसा ही कुछ रिलेशन देगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही कुछ रिलेशन देगा जो इजीली ब्रेक हो जाएगा। दे विल गिव अस सम सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशन जो हम लोग का इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सम्स में हम लोग को के मेथड लेके करना पड़ेगा। के इज अ कांस्टेंट एंड देन अकॉर्डिंगली वी प्रोसीड विद द सम। ठीक है, चलिए एक और ट्राई करते हैं। इफ 5.678 होल टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 0.5678 होल टू द पावर वाई इक्वल्स टू 1000, ठीक है, वी नीड टू प्रूव दैट 1 by x equals to 1 by y plus 1 by x minus 1 by y equals to 1 by 3। हम लोगों को ये प्रूफ करना है इस सब में। वी हैव टू प्रूव दैट 1 by x minus 1 by y equals to 1 by 3।
ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हम लोग को गिवेन कंडीशंस को क्या करना है, इक्वल्स टू के ले लेना है। ठीक है, तो मैं अब इस बार क्या लिखूंगा, 5.678 होल टू द पावर एक्स इक्वल्स टू 0.5678 होल्ड द वाई इक्वल्स टू 10 का क्यूब इक्वल्स टू के, के बीइंग अ कांस्टेंट, है ना, के बीइंग अ कांस्टेंट। अब मैं लिख सकता हूं कि 5.678 होल्ड टू द पावर एक्स इक्वल्स टू के, तो 5.678 का वैल्यू आ जाएगा के टू द पावर 1/x। सिमिलरली 0.5678 होल टू द पावर वाई इक्वल्स टू के, तो 0.5678 इक्वल्स टू के टू द पावर 1/y। ठीक है, 1000 इक्वल्स टू के, जिसको मैं नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा 10³ इक्वल्स टू के, और 10 इक्वल्स टू के टू द पावर 1/3, है ना। तो मेरा क्या बन रहा है, मेरा यहां पर रिलेशन क्या बन रहा है, वी नो दैट 5.678 इक्वल्स टू 0.5678 इंटू 10। हम लोग लिख सकते हैं, तो के टू द पावर 1/x इक्वल्स टू के टू द पावर 1/y इंटू के टू द पावर 1/3, और के टू द पावर 1/x इक्वल्स टू के टू द पावर 1/y प्लस 1/3, और 1/x इक्वल्स टू 1/y प्लस 1/3। और 1/x माइनस 1/y इक्वल्स टू 1/3, मेरा ये आंसर आ गया। सेम प्रोसेस, बस सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यहां पर ये रिलेशन स्टैब्लिश करना, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर ये वाला रिलेशन को स्टैब्लिश करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये वाला रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप ये वाला वो नहीं कर पाएंगे, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलिए आइए कुछ कुछ शॉर्ट प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 18 टू द पावर 0, क्या आंसर होगा, 1, क्यू 1, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 1 होता है। नेक्स्ट, ए टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 8, क्या आंसर होगा, सिंस द बेस इज सेम पावर्स गेट एडेड, ए टू द पावर 13, है ना, सिंस द बेस इज सेम पावर्स गेट एडेड ए टू द पावर 13। नेक्स्ट, रूट ओवर एक्स टू द पावर 4, सॉरी, रूट ओवर एक्स टू द पावर 8 होल टू द पावर 1/4, रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 8 होल टू द पावर 1/4। तो सबसे पहले तो मैं रूट को हटाऊंगा, रूट हटने से ये बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 1/4। जब भी रूट हटाएंगे ना, पावर आधा कर दीजिएगा, रूट हटाने से पावर आधा हो जाता है, रूट
हटाने से अंदर वाले नंबर का पावर आधा हो जाता है। रूट हटाने से अंदर वाले नंबर का पावर आधा हो जाता है। तो अगर x टू द पावर 8 है, रूट हट जाएगा तो x टू द पावर 4 हो जाएगा। मान लो x टू द पावर 5 होता तो 5/2 ले लेते अपने उसको, ठीक है। नाउ वी नो दैट पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू व्हाट, a टू द पावर m इनटू n। तो क्या हो जाएगा ये x टू द पावर 4 इनटू 1/4। तो फाइनल आंसर इज x, फाइनल आंसर इज x, ठीक है। नेक्स्ट 1/216 होल टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 1/27 होल टू द पावर -4/3। अब इसको सॉल्व करना है मेरे को, तो सॉल्व करने के लिए हमेशा जितना हो सकता है उतना स्मॉलर नंबर्स में इसको ब्रेक करना है हम लोग को, ठीक है। तो 216 को अगर मैं ब्रेक करने का कोशिश करूंगा तो ये 6 का क्यूब होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं अगला स्टेप में 1 to the power 2 by 3 by 216 to the power 2 by 3, और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाला आ जाएगा ऊपर और ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, ठीक है। a by b divided by c by d is equals to a by b into d by c, ठीक है। अब anything 1 to the power anything is 1, हाँ या ना, 1 to the power anything is 1। तो इसको ध्यान रखते हुए अगर हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम लोग अपना, तो ये 1 हो जाएगा, 6 का क्यूब इंटू 2/3 इंटू 3 का क्यूब इंटू -4/3 बाई 1। तो यहां से हम लोग क्या क्या कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल कर देंगे और 3 यहां से भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ रहा है, मेरा आ रहा है 1/6 का स्क्वायर इंटू 3 to the power -4। 1/6 का स्क्वायर इंटू 3 to the power -4, और ये ना -2/3 था, तो यहां मेरे से गलती हुआ है, ये -2/3 था, एक सेकेंड, हाँ तो दिस विल बी -2/3, यहां मैंने -2/3, तो ये 6 to the power -2 हो जाएगा। तो अब इसको अगला बार में हम लोग क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर बाय 3 to the power 4, 36/81, 4/9, 4/9, a to the power 2/3 होल टू द पावर -3/4। अगेन पावर ऑफ अ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 3 विल गेट कैंसल्ड, हाँ या ना। तो a टू द पावर 1/2, साथ में एक माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1/a to the power 1/2, That is nothing but 1/√a. That is nothing but 1/√a.
ए टू द पावर 2/3 होल टू द पावर -3/4, पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, 3 3 जा 3 कट गया, 2 2 जा 4 तो माइनस हाफ बचा, पावर में माइनस हाफ का मतलब नीचे रूट, पावर में माइनस हाफ का मतलब नीचे रूट, पावर में खाली हाफ मतलब रूट ए, अगर माइनस हाफ है तो नीचे जाके रूट हो जाएगा वो, नेक्स्ट इफ 9 to the power 2x इक्वल्स टू 27/3 to the power x plus 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सब कुछ 3 का मल्टीपल में दिख रहा है, तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको ठीक से लिखेंगे हम लोग, तो ये 3 का स्क्वायर होगा, ये 3 का क्यूब हो जाएगा, और ये 3 to the power x plus 2 है ही, तो अगला स्टेप में पावर है, पावर में पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, और ये हो जाएगा 3 - x - 2 और 4x = 1 - x, 4x = 1 - x, सिंस बेसिस आर सेम ऑन बोथ द साइड पावर्स विल बी इक्वल, क्या सीखे थे हम लोग, a to the power b = a to the power c, therefore b = c, और 5x = 1 और x = 1/5, 5x = 1 और x = 1/5, ठीक है, सो वी ट्राई टू ब्रेक एक इनटू स्मॉलर वैल्यूज. नेक्स्ट इज 25 to the power -1/2, सो आई विल स्ट्रेट अवे राइट 1/√25 विच इज 1/5, पावर में माइनस हाफ का मतलब ही नीचे जाके रूट, पावर में माइनस हाफ का मतलब ही नीचे जाके रूट, पावर में माइनस हाफ का मतलब ही नीचे जाके रूट, नेक्स्ट -1/216 होल टू द पावर -2/3, ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/-6 का क्यूब लिख सकता हूं मैं, हाँ या ना, अगर पावर में माइनस हो ना, पावर में अगर माइनस है उसको
हटाने के लिए अंदर वाला नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। पावर में अगर नेगेटिव है तो उसको हटाने के लिए अंदर वाला नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -6 का क्यूब बाई 1 होल टू द पावर -2/3। गलत लिखे ना, अब तो प्लस हो जाएगा, अब तो प्लस हो जाएगा। तो a बाई बी होल टू द पावर -m इक्वल्स टू बी बाई ए होल टू द पावर n। ए बाई बी होल टू द पावर -m इक्वल्स टू बी बाई ए होल टू द पावर n। ठीक है, तो -6 पावर ऑफ पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, दिस पोर्शन इज रेलिवेंट। पावर में अगर नेगेटिव है उसको हटाने के लिए अंदर वाला नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। पावर में अगर नेगेटिव है उसको हटाने के लिए अंदर वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 to the power 1/4 इंटू 125 to the power 0.25, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में पहले क्या लिखेंगे? 5 to the power 1/4 इंटू 5 का क्यूब होल टू द पावर 1/4, क्योंकि 0.25 मतलब 1/4, तो ये क्या बन गया? 5 to the power 1/4 इंटू 5 to the power 3/4। नाउ पावर्स विल गेट एडेड अप, विच इज 5 to the power 4/4, 5 to the power 1। ये सब चीज की फैक्टर्स है। 0.25 का मतलब 1/4, 1/4 + 3/4 इक्वल्स टू 1। तो मेरा फाइनल आंसर 5 आ गया, मेरा फाइनल आंसर 5 आ गया, मेरा फाइनल आंसर 5 आ गया। अगला सवाल, 16 × (n^2) 16 × (a^n+2) इक्वल्स टू 2 to the power m, देन m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। 16 × (a^n+2) इक्वल्स टू 2 to the power m, देन m इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और 2 to the power 4 into 2 का क्यूब
होल टू द पावर एन प्लस टू इक्वल्स टू 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 द पावर एम और टू टू द पावर फोर इंटू टू टू द पावर थ्री एन प्लस सिक्स इक्वल्स टू 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 द पावर एम और 2 टू द पावर 4 प्लस 3n प्लस 6 इक्वल्स टू 2 टू द पावर m और 2 टू द पावर 10 प्लस 3n इक्वल्स टू 2 टू द पावर m. तो सिंस द बेसेस ऑन बोथ द साइड्स आर equal, therefore the powers will be equal. So m equals to 3n plus 10, m equals to 3n plus 10, m equals to 3n plus 10. M equals to 3n plus 10. ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा प्रॉब्लम लगा मेरे को, इससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा. If a by b equals to x to the power x minus 1 equals to b by a equals to x minus 3, then find the value of x. Then find the value of x. Then find the value of x. तो मेरे को क्या करना है. नाउ वी नो दैट ए बाई बी टू द पावर एम इक्वल्स टू बी बाई ए टू द पावर माइनस एम. दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल वाइसे वर्सा. ये वाइसे वर्सा भी एप्लीकेबल है. अब अगर मैं देखूंगा कि जो मेरा गिवन आउटलुक है उसमें बेस ऑन द LHS इज रेसिप्रोकल ऑफ द बेस ऑन द RHS is reciprocal of the base on the RHS, है ना. तो मेरे को पहले तो given लिखना है. given क्या है, a by b to the power x minus 1 equals to b by a to the power x minus 3. अब हम क्या करेंगे next step में, a by b x minus 1 equals to a by b माइनस एक्स प्लस थ्री, क्योंकि ऊपर में साइन चेंज हो गया तो जो प्लस में था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस हो जाएगा. अब सिंस द बेसिस आर सेम ऑन बोथ द साइड्स पावर्स आर इक्वल, तो एक्स माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री और टू एक्स इक्वल्स टू फोर और एक्स इक्वल्स टू टू. x माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री, तो 2x का वैल्यू क्या आ गया 4 और x इक्वल्स टू 2. ठीक है,
एक्स टू द पावर ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स टू द पावर बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स टू द पावर सी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले अगर बेस सेम है मेरा तो पावर्स विल गेट एडेड अप, एंड जैसे हम पावर्स को देख रहे हैं ऐड कर रहे हैं, दिस इज ऑफ द नेचर ऑफ अ साइकिल, तो ये सब कट पीट के क्या हो जाएगा जीरो, पावर में जीरो है तो आंसर क्या आएगा वन, पावर में जीरो है तो आंसर क्या आएगा वन। अब बहुत टाइम है आपके पास में तो आप इसको ब्रेक करके देख लीजिएगा। इस टाइप के ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल ऑर्डर। ये साइक्लिकल ऑर्डर का है, दिस इज ऑफ साइक्लिकल ऑर्डर। तो साइक्लिकल ऑर्डर का जो टोटल होता है वो जीरो होता है, साइक्लिकल ऑर्डर का जो टोटल होता है वो जीरो होता है, साइक्लिकल ऑर्डर का जो टोटल होता है वो जीरो होता है। तो अकॉर्डिंगली आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, इफ ए टू द पावर पी इक्वल्स टू बी कॉमा बी टू द पावर क्यू इक्वल्स टू सी कॉमा सी टू द पावर आर इक्वल्स टू ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो यहां पर पहले हम लोग जितना भी गिवन कंडीशन है उसको ऐसे लिख लेंगे, जितना भी गिवन कंडीशन है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा ए टू द पावर वन बाई आर, उसको यहां पुट कर देंगे, और बी टू द पावर क्यू इक्वल्स टू ए टू द पावर वन बाई आर, और बी इक्वल्स टू ए टू द पावर वन बाई आर इंटू वन बाई क्यू, फिर यहां हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, और ए टू द पावर पी इक्वल्स टू ए टू द पावर 1 by r into 1 by q. Now, since the bases are same on both the sides, powers will be equal. Powers will be equal. This is the step we need. इसके बाद cross multiply करोगे तो pqr equals to 1 answer आ जाएगा. इसके बाद जब cross multiply करोगे तो pqr equals to 1 आ जाएगा. इट इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म साइक्लिकल ऑर्डर। इस टाइप के सम को भी हम लोग साइक्लिकल ऑर्डर बोलते हैं, इसको भी हम लोग साइक्लिकल ऑर्डर का ही सम बोलेंगे। दिस इज ऑफ द फॉर्म साइक्लिकल ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म साइक्लिकल ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म साइक्लिकल ऑर्डर। This is also of the form cyclical order. यहां तक क्लियर है? तो अगर आप देखेंगे आज के क्लास में
हम लोग ने क्या क्या किया है, हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया है। एंड जो मेजर हम लोग का आज का लर्निंग रहा है वो ये रहा है कि अगर मेरा पावर में साइन चेंज होगा तो मेरा अंदर वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये मेरा एक सबसे बड़ा लर्निंग रहा है। एक के मेथड वाला जो सम होता है वो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एक आपका साइक्लिकल ऑर्डर वाला जो चीज है, साइक्लिकल ऑर्डर वाला सम कैसे कर सकते हैं अपने, वो एक हम लोग ने सीखा है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का बेसिक बेसिक सम हम लोग ने किया है, जो बड़ा सम आता है वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। तो आगे भी हम लोग इस पे कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, ठीक है। तो अभी तक दिस वॉज क्लास टू एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड क्लास वन। मोस्ट प्रॉब्ली एक और क्लास में इसके सारे चीजों को हम सीख लेंगे। ओके चलिए, थैंक यू।